बिहार के मुजफ्फरपुर का मशहूर लीची व्यवसाय आज दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी किसानों को परेशान कर रही है। बारिश ने किसानों के लिए खर्च बढ़ा दिया है, क्योंकि बारिश के बाद कीटाणुओं का कहर लीची के पेड़ों पर शुरू हो जाता है। अगर वक्त रहते किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया तो लीची के फल बर्बाद हो जाएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक विशाल नाथ कहते हैं कि बारिश से किसानों को फायदा है, लेकिन बारिश के बाद कीटाणुओं का प्रकोप लीची के पेड़ों पर ज्यादा होता है। काफी अच्छी होने की जो है वो संभावना जताई जा रही है, लेकिन साथ ही कोरोना को लेकर के भी किसानों के सामने संकट आ रहा है, तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ इस बार लीची की फसल में आप देख रहे हैं सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लीची इस बार बहुत अच्छी फसल आ रही है और इसमें समय से फल लग गए थे और इसमें जो मौसम था वो भी हमारा साथ दे रहा था। अभी पीछे दिन पहले बारिश भी हुई है, वो भी लीची के लिए फायदेमंद ही है और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी। पूरे देश की अगर बात करें तो करीब 7.5 से 8 लाख टन के आसपास लीची पैदा होने की संभावना है और जो बिहार में है, बिहार में कम से कम 3 से 3.5 लाख टन का जो उत्पादन होने की संभावना है। अब इसमें जो समय समय पर हम लोग सुझाव दे रहे हैं किसानों को, चाहे वो उनके छिड़काव के बारे में हो, चाहे फल रोकने के बारे में हो, फल के विकास के बारे में है, और मुझे उम्मीद है कि किसान उसका भरपूर प्रयोग कर करके और अच्छी फसल तैयार करने के लिए प्रयासरत भी हैं। अब इस समय जो देश में एक संकट आया हुआ है कोरोना को लेकर के, जिसमें कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीची की फसल में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है और इस बीच में अभी से ही काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, विशेष करके कृषि और बागवानी में, और भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिल करके ऐसे तमाम विकल्प ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कृषि रथ ऐप हो, चाहे वो कॉल सेंटर हो, जिससे किसानों को समय पर और उचित लाभ और उनको उचित जो है सुविधा सहूलियत प्रदान करने का काम हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम जब 1.25 महीने बाद में हमारी लीची की फसल तैयार होगी तो उस समय में किसानों के सामने कोई संकट आएगा। अभी किसानों को खेत में मेहनत करने की जरूरत है, जो मेहनत कर रहे हैं, और उसको समय समय पर जो विशेषज्ञों की सलाह है उस हिसाब से अपनी फसल को बेहतर उत्पादित करने का काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले साल लीची की वजह से चमकी बुखार होने की अफवाहों से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन अफवाहों को गलत बताया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल लीची किसानों की अच्छी कमाई हो, अगर लॉकडाउन और बारिश उम्मीदों पर पानी ना फेरे तो। न्यूज़ डेस्क।